हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। हम क्या पढ़ रहे हैं? फंजाई है ना। फंजाई का फोर डिफरेंट क्लासेस है। कौन कौन सा? सबसे पहला फाइकोमाइसिटी, जिसको हम एल्गल फंजाई या एक्वेटिक फंजाई के नाम से जानते हैं। दूसरा एस्कोमाइसिटी, जिसको हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, क्या बेसिडियोमाइसिटीज, जिसको हम ब्रैक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं, क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं, रे फंजाई के नाम से, पफ बॉल और एडिबल फंजाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं, अभी देखेंगे डिटेल में। और सबसे लास्ट में फोर्थ है क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम किस नाम से जानते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। इसके इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज को क्या? बेसिडियोमाइसिटीज को किस नाम से जानते हैं? ब्रैक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। ब्रैक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ब्रैकेट फंजाई के अलावा इसको क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। क्लब फंजाई के अलावा इसको रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इसको स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इसको एडिबल फंजाई के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रस्ट, स्मट और स्टेबल, सॉरी एडिबल, रस्ट स्मट और एडिबल फंजाई, रस्ट स्मट और एडिबल फंजाई, इसमें से कौन है? चारों ऑप्शन दिया रहेगा क्या? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और बोलो ना ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रस्ट स्मट और एडिबल फंजाई के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। समझ में आया? तो ये तीनों नाम चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं ये फेमस क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज को पफ बॉल के नाम से जानते हैं। क्या? पफ बॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आगे रस्ट कौन है, जो कौन वो रस्ट फंजाई है जो क्या कर सकता है? रस्टिंग कॉज करता है प्लांट में, रस्टिंग लाइक अपीयरेंस कॉज करता है। स्मट कौन कॉज करता है और कौन सा ऐसा फंजाई है बेसिडियोमाइसिटीज का जिसको हम खाते हैं? एडिबल फंजाई, जो मशरूम हम खाते हैं ना, मशरूम वो हम खाते हैं एगैरिकस। क्या खाते हैं? अगैरिकस। और अगैरिकस किसका एग्जाम्पल है? बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। किसका? बेसिडियोमाइसिटीज। खैर, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। तो नेक्स्ट हम लेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट, ये ग्रो करता है सॉइल में। कहाँ ग्रो करता है? सॉइल में। तो लिखेंगे ग्रो इन सॉइल। कहाँ पे ग्रो करता है? सॉइल में ग्रो करता है। उसके अलावा ये ट्री के स्टम्स पे, ट्री के स्टेम्स पे, पुराने स्टेम्स पे ये ग्रो करता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे ऑन ट्री स्टम्स उसके अलावा ये प्लांट में पैरासाइट के जैसा प्रेजेंट रह सकता है। तो लेकिन लिविंग बॉडी एज अ पैरासाइट, सॉरी लिविंग इन प्लांट बॉडी, लिविंग इन प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? माइसीलियम इसका कैसा होगा? कोई बताएगा माइसीलियम इसका कैसा होगा? देखो भाई, माइसीलियम एसेप्टेड सिनोसिटिक, बस एक का तो याद करना था, किसका? फाइकोमाइसिटीज का। उसके अलावा सबका माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच है। कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच। तो इसका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच। हाँ भाई, माइसीलियम कैसा है इसका? सेप्टेट एंड ब्रांच। कैसा? सेप्टेट एंड ब्रांच। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे, रिप्रोडक्शन पे। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन।
डेसिडियोमाइसिटीज का रिबर्थ। डेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्पोर है उसका नाम क्या होगा? डेसिडियो स्पोर। क्या है? डेसिडियो स्पोर। याद है तुमको सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या था? अजूबा। क्या था भाई? अजूबा। क्लियर? एक बार रिकैप जरूर कीजिएगा आप। तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्शन है वो देखते हैं कैसे होता है। तो आप याद रखिएगा कि बेसिडियोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये होता है बेसिडियोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्या नहीं होता है? एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बनता है, नहीं होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखना, फर्स्ट पॉइंट में क्या रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले तो ऐसे लिखना कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या करते हैं आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं ना? चलिए, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कोरोना है ना। चलिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसके पास एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है ना, किसी भी तरह का यहां पे एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है। ये याद रखना है कि बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। क्या होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको एकदम रट ही जाना है, याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या भाई? यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल स्पोर बनता है डेसिडियोमाइसिटीज में, लेकिन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, किसी भी तरह का एंथेरिडियम और उगोनियम यहाँ पे नहीं होता है। किसमें? डेसिडियोमाइसिटीज में। किसमें? डेसिडियोमाइसिटीज में। तो यहाँ पे लिखिएगा सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। क्या? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। कैसे सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसको कहते हैं? जहां पे दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स, दो डिफरेंट सेल आके फ्यूज करते हैं, जहां पे तो हैप्लोइड सेल का फ्यूजन होगा उसको क्या कहेंगे? बोलो ना, उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और जहां फर्टिलाइजेशन होगा वहां क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल या टू सोमैटिक सेल का फ्यूजन होता है, मतलब दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल का फ्यूजन होता है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है या वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल का क्या होता है? फ्यूजन होता है, वो भी डिफरेंट डेसिडियोस्पोर, डिफरेंट जीनोटाइप के वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मानते हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स के सेल का फ्यूजन होता है, और जहां पे दो डिफरेंट टाइप के सेल का फ्यूजन होगा और एक जाइगोट बनेगा, यानी क्या हो रहा है वहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे लिखेंगे फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल, फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल ऑफ ए डिफरेंट जीनो, ऑफ डिफरेंट जीनो टाइप। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कैसे यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात तो तुम पहले बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर बनता है, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या होगा? क्या होगा? बेसिडियो स्पोर। क्या नाम होगा यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर का? बेसिडियो
स्पोर नाम होगा। तो सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या होगा? मेशिडियो स्पोर। क्या होगा? मेशिडियो स्पोर। ठीक है, यही मेशिडियो स्पोर जर्मिनेट करेगा और माइसीलियम बनाएगा। चलो देखते हैं। एस्को स्पोर कहां पे बना था? एस्कस में बना था। कहां पे बना था? एस्कस में। एस्कस जिस माइसीलियम में प्रेजेंट होता है, एस्कस जिस माइसीलियम पर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? एस्को कार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्को कार्प कहते हैं। वैसे ही बेसिडियो स्पोर जहां पे बनेगा ना, उस फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिडियम। और बेसिडियम जिस पे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं बेसिडियो कार्प। क्या कहते हैं? बेसिडियो कार्प। बेसिडियम जिस माइसीलियम पे प्रेजेंट होता है उस माइसीलियम को कहते हैं बेसिडियो कार्प। क्या कहते हैं? बेसिडियो कार्प। यानी बेसिडियो कार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। जैसे एस्को कार्प क्या था? फ्रूटिंग बॉडी। वैसे ही बेसिडियो कार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडियो कार्प पे क्या प्रेजेंट होता है? बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर क्या बनता है? बेसिडियो स्पोर। क्या बनता है? बेसिडियो स्पोर, जो सेक्सुअली बनता है। कैसे बनता है? सेक्सुअली बनता है। देखो, दो डिफरेंट स्ट्रेन है, जीनोटाइप, टू डिफरेंट जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जीनोटाइप दूसरा। दोनों हैप्लोइड माइसीलियम, दोनों फ्यूज करेगा, सेल्फ फ्यूज करेगा, तो क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहलाएगा? ऐसे करके ये हो गया प्लाज्मोगैमी। क्या हो गया? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है याद है? प्लाज्मोगैमी के बाद होता है, बोलो ना, ये हो गया प्लाज्मोगैमी। दो सेल फ्यूज क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कैरियोगैमी। क्या होगा? कैरियोगैमी। जहां पे जिस माइसीलियम में कैरियोगैमी होना है वहां पे आपको याद है क्या बन जाएगा? एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे दो न्यूक्लियस आएंगे और फ्यूज करेंगे। दो न्यूक्लियस आएंगे और क्या कर जाएंगे भाई? फ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस आएंगे और यहाँ पे दो न्यूक्लियस आके क्या कर गए? फ्यूज कर गए। यानी यहाँ पे हो गया कैरियोगैमी। क्या हो गया? कैरियोगैमी हो गया। क्या हो गया? कैरियोगैमी हो गया। ठीक है, अब देखो, दो न्यूक्लियस जहां पे फ्यूज कर रहे हैं ना जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसिडियम। क्या कहते हैं? बेसिडियम। अगर एक देख रहे हैं ना तब कहेंगे बेसिडियम, और बहुत सारे बेसिडियम को एक साथ देखते हैं तो क्या कहेंगे? बेसिडियो कार्प। क्या कहेंगे? बेसिडियो कार्प। तो बेसिडियम के अंदर क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, कैरियोगैमी हो गया, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। क्लियर है? अब बताओ, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। इसी डिप्लॉयड न्यूक्लियस में अब क्या होना है? क्या होना है? मियोसिस होना है। क्या होना है? मियोसिस होना है। जैसे ही डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, यानी जाइगोट बन गया, और जाइगोट में क्या होना है? मियोसिस होना है। क्या होना है? मियोसिस होना है। तो यहां पे होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और जैसे ही यहां पे मियोसिस होगा तो बेसिडियो स्पोर बनेगा। क्या बनेगा भाई? बेसिडियो स्पोर बनेगा। बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस से होगा, और मियोसिस से चार सेल बनते हैं, और ये सेल यानी बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे या इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे? ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे, याद है ना? बेसिक कोबाल्ट को बाहर निकालो, बेसिडियो स्पोर कोनिडिया क्या होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं, बाहर निकालो यानी एग्जिट। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे बेसिडियम के अंदर क्या है? डिप्लॉयड जाइगोट, इसमें मियोसिस होगा, तो चार बेसिडियो स्पोर्स बनाएगा। ये दो तीन चार, ये चार बेसिडियो स्पोर्स बना, एक्सोजीनियस। कैसे बना? एक्सोजीनियसली बना। क्या? चलो, वैसा माइसीलियम जिसमें बेसिडियम प्रेजेंट होता है उस बेसिडियम को क्या कहते हैं? वैसा माइसीलियम जिसमें बेसिडियम प्रेजेंट होता है उस माइसीलियम को, उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? बेसिडियो कार्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेसिडियो कार्प। क्लियर है? और फिर ये माइसीलियम क्या करेगा? यहां से डिटैच, सॉरी माइसीलियम बोल रहे हैं, ये क्या? ये बेसिडियो स्पोर्स जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस है, बेसिडियो स्पोर्स। और ये बेसिडियो स्पोर्स क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा? माइसीलियम बनाएगा। क्या बनाएगा? माइसीलियम। ये माइसीलियम फिर से दो सेल का फ्यूजन होगा, फिर से प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, जाइगोट,
फिर से स्पोर बनेगा एक्सोजीनियसली, फिर से ये जर्मिनेट करेगा, फिर से माइसीटियम बनेगा, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि भाई ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है, ठीक है, कि बेसीडियम और एस्कस दोनों सेम होता है। क्या बेसीडियम और एस्कस दोनों सेम होता है? लेकिन आपको पता है कि ये बेसीडियम है ना, बेसीडियम और एस्कस, मान लेते हैं व्हाइट वाले से तुमको दिखा देते हैं क्या एस्कस, एस्कस दोनों सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एस्कस के अंदर एस्को स्पोर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है और बेसीडियम के बाहर बेसीडियो स्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भाई बेसीडियम और एस्कस क्या दोनों सेम है, आपको जवाब देना है नहीं, क्योंकि बेसीडियम स्पोर का फॉर्मेशन एक्सोजीनियसली करता है जबकि एस्कस एस्को स्पोर का फॉर्मेशन इंडोजीनियसली करता है। क्लियर है? क्लियर है। आगे आते हैं हम इसके एग्जाम्पल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसीडियो स्पोर्स के, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसीडियो स्पोर्स, सॉरी बेसीडियो स्पोर नहीं, बेसीडियो माइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर का नाम बताइए। तो बेसीडियो माइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर का नाम हो जाएगा बेसीडियो स्पोर्स। क्या हो जाएगा? बेसीडियो स्पोर। बेसीडियो माइसिटीज के ए सेक्सुअल स्पोर का नाम बताइए। क्या? बेसीडियो माइसिटीज के ए सेक्सुअल स्पोर का नाम बताइए। तो बेसीडियो माइसिटीज के ए सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या हो जाएगा? सर बेसीडियो माइसिटीज में तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। बिल्कुल, और जब बेसीडियो माइसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर भी नहीं बनेगा। क्या? ए सेक्सुअल स्पोर भी नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल, इस पे एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, बेसीडियो माइसिटीज के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस का जो एग्जाम्पल है वो है पूसा से, याद रख सकते हैं, किसे याद रख सकते हैं? पूसा से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या पूसा से आप इसके एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। मुजफ्फरपुर के बगल में समस्तीपुर, समस्तीपुर में क्या है? पूसा। क्लियर है? तो पूसा से आप याद रख सकते हैं क्या? बेसिडियोमाइसिटिस को। क्या? बेसिडियोमाइसिटिस को। तो पी फोर होता है पक्सीमिया। क्या होता है? पक्सीमिया। क्लियर। यूएस फोर होता है एस्टिलैग। क्या होता है? एसटी लेगो। एंड ए फोर होता है अगैरिकस। क्या होता है? अगैरिकस। क्लियर है? तो याद रखना है इसका एग्जाम्पल पक्सीनिया, एसटी लेगो एंड अगैरिकस। पक्सीनिया जो है ना ये वीट में रस्ट कॉज करता है। क्या करता है? वीट में रस्ट कॉज करता है। वेस्ट एसटी लेगो क्या करते हैं इसको करते हैं? एसटी लेगो मस्टर्ड पे, इसमें मस्टर्ड पे स्मट कॉज करता है। क्या कॉज करता है भाई? स्मट कॉल करता है। व्हाइट पाउडरी लाइक सब्सटेंस, व्हाइट पाउडरी अपीयरेंस लाता है, उसको कहते हैं स्मट। क्लियर है? ब्लैक रस्टी अपीयरेंस लाएगा जिसको कहते हैं रस्ट, जो पक्सीनिया कॉज करता है। और अगैरिकस जो तुम्हारा फेवरेट है, क्या है? मशरूम। क्या है? ये मशरूम जो तुम खाते हो। क्लियर? तो मशरूम जो है वो एडिबल बन जाए, इसीलिए ये तीनों एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए रस्ट स्मट और एडिबल फंजाई के लिए कौन सा जो ग्रुप है वो आता है, ठीक है, कौन सा क्लास आता है, तो कौन सा क्लास आता है? बेसीडियो माइसिटीज आता है। कौन सा? बेसीडियो माइसिटीज आता है। नेक्स्ट इस क्लास के बाद हम पढ़ते हैं क्या, मतलब बेसीडियो माइसिटीज के बाद हम पढ़ेंगे अभी क्या पढ़ेंगे? ड्यूटेरो माइसिटीज। क्या पढ़ेंगे? ड्यूटेरो माइसिटीज। नेक्स्ट स्टडी में लेंगे ड्यूटेरो माइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो लिखेंगे इसमें इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ओनली एसेक्सुअल, बिकॉज only asexual or vegetative, because only asexual or vegetative phase of
दीज फंजाई आर नो, मतलब वैसे फंजाई जिनका हम सिर्फ एसेक्सुअल फेज या सिर्फ वेजिटेटिव फेज हमको पता है, जिसके सेक्सुअल फेज के बारे में हमको पता नहीं है, तो वैसे फंजाई को कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। यानी अगर आपको कोई फंजाई का नया स्पीशीज पता चलता है और वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है या वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरह का, उसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, तो आप उसको किस ग्रुप में रख देंगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लेकिन एक्सोजीनियसली स्पोर प्रोड्यूस होगा तब किस में रखेंगे? बेसिडियोमाइसिटीज में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लेकिन इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होगा तब किस में रखेंगे? एस्कोमाइसिटीज में। किस में रख देंगे? एस्कोमाइसिटीज में। खैर, तो वैसे फंजाई जिनका हमको सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव फेज पता है, उस फंजाई को क्या कहते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं, या इम्परफेक्ट फंजाई। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, तो पहला तो बोल दो कि सिर्फ इसका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पता है। इसका मतलब इसका सेक्सुअल फेज हमको नहीं पता, इसका परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज हमको नहीं पता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, बिकॉज परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल स्टेज यहाँ पे नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन के पहले सर माइसीलियम पढ़ते हैं, तो तुमको तो पता है ना इसका माइसीलियम कैसा होगा, बोलो ना। हाँ भाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा होगा? चलो हम नहीं बताएंगे, तुम इसको कमेंट में बताना कैसा होगा इसका माइसीलियम। साइकोमाइसिटीज को छोड़ के सबका माइसीलियम कैसा है? वैसा इसका भी है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका माइसीलियम कैसा होता है, किसका? ड्यूटेरोमाइसिटीज का। है इसका रिप्रोडक्शन पे हमारा आते हैं, तो रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है वेजिटेटिव, सेक्सुअल देखने को मिलता है क्या? सेक्सुअल देखने को नहीं मिलता, क्या देखने को मिलता है? वेजिटेटिव। और क्या देखने को मिलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव होगा तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा, बडिंग से होगा, कैसे भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे बनता है एसेक्सुअल स्पोर। क्या बनता है? एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर का एग्जांपल है कोनीडिया। क्या बनता है यहाँ पे? कोनीडिया बनता है। क्या? कोनीडिया। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है एसेक्सुअल स्पोर्स। क्या बनता है? एसेक्सुअल स्पोर। और एसेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है? कोनीडिया है। क्या है भाई? कोनीडिया। देखिए, कोनीडिया एसेक्सुअल स्पोर है, जो अभी तक दो क्लासेस में बना, फंजाई के दो क्लासेस में बना, एक तो ड्यूटेरोमाइसिटीज और दूसरा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में भी एसेक्सुअल स्पोर क्या था? कोनीडिया था। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी एसेक्सुअल स्पोर क्या है? कोनीडिया। क्या है? कोनीडिया। यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हैबिटेट। नेक्स्ट हो गया रिप्रोडक्शन, इतना सफिशियंट है, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट। चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट पे हम आ जाते हैं। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। क्या हो सकता है? सेप्रोफाइटिक
पैरासिटिक, और ये क्या हो सकते हैं? हाँ भाई, और ये मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई मोस्टली डिकम्पोजर्स फंजाई कौन से क्लास में आएगा, आंसर क्या चला जाएगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या चला जाएगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो लिख लिखेंगे मोस्टली डिकम्पोजर्स। और इसके मोस्टली जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना वो मिनरल रिसाइकलिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। क्या? हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको याद रखना है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना है इसका, क्या मीडिया हैबिटेट मोस्टली ये डिकम्पोजर्स होते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर है? रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल नहीं होता है, सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। और कैसा है स्पोर? कोनिडिया। और ऐसा ही ठीक स्पोर कैसा था? किसके पास था? एस्कोमाइसिटीज के पास था। किसके पास था? एस्कोमाइसिटीज के पास था। इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका देखेंगे एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा एग्जाम्पल्स। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरोमाइसिटीज का। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ना, पता नहीं क्यों फेवरेट है लोगों का। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है? TCA है भाई, TCA। मुजफ्फरपुर के बगल में एक गाँव है ढोली। क्या है? ढोली है ना, ढोली से तुम याद रखना बी से यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या करेंगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज। और वहां पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज है जिसका नाम है तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, TCA ढोली। तो ढोली से क्या याद रहेगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या याद रहेगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज और तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यानी TCA, ये आपको याद रखना है। T4 ट्राइकोडर्मा। क्या याद रखना है? ट्राइकोडर्मा। C4 याद रखना है कोलिटोट्राइकम। कोलिटोट्राइकम। और A4 याद रखना है, बोलो A4 क्या याद रखना है? अल्टरनेरिया। क्या? अल्टरनेरिया। अब देखो A जो है ना, ये A आया कहां पे? फाइकोमाइसिटीज में। A आया कहां पे? एस्कोमाइसिटीज में। A आया कहां पे? बेसिडियोमाइसिटीज में। और A आया कहां पे? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ये होमवर्क है कि आपको इसको पूरा क्लेरिफाई करना है। फाइकोमाइसिटीज में कौन सा A है? एल्ब्यूगल। एस्कोमाइसिटीज में कौन सा ए है? एस्परजिलस है। बेसिडियोमाइसिटीज में एगेरिकस है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया है ना। तो 3-4 बार इसको लिखेंगे, अलग से ध्यान में रखेंगे एकदम कौन सा सीफॉइड से, तो ये आपको याद रहेगा, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको एक जगह इसको करना हो। समझ में आ गया? अब हम आ जाते हैं कुछ हमारे एनसीईआरटी के अलावा ड्यूटेरोमाइसिटीज में एग्जाम्पल है जिसको बहुत पहले एग्जाम में पूछा जाता था लेकिन अब पूछा नहीं जाता है। क्लियर है? लेकिन फिर भी हम एक बार क्या करेंगे, सब एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है लीफ स्पॉट ऑफ राइस। लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो लिखेंगे लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है लीफ स्पॉट ऑफ राइस। लीफ स्पॉट ऑफ राइस होता है हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजिस। किससे होता है? हेल्मिंथो स्पोरियम ओराइजिस। किससे होता है? हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजिस से होता है। आपको पता है वेस्ट बंगाल का या हमारे इंडियन का जो स्टेबल फूड है, जो मेन फूड है, वो क्या है? वो है राइस। अब वहां पे हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजिस क्या किया? पूरा ग्रोथ कर गया, प्रोडक्टिविटी पूरा घट गया। तो बंगाल में है ना, बंगाल में मैंने ये बंगाल रीजन में लीफ स्पॉट ऑफ राइस देखने को मिला था। कब? 1945 में। कब? 1945। तो लोगों को खाने के लिए बहुत दिक्कत हो गया था, अकाल पड़ गया था ऐसा, इसलिए लीफ स्पॉट ऑफ राइस को फेमाइन ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमाइन ऑफ बंगाल।
कहते हैं फेमाइन ऑफ बंगाल, क्लियर है। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट पोटैटो, क्या अर्ली ब्लाइट पोटैटो या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है किसके कारण, बोलो ना, अल्टरनेरिया सोलैनी के कारण, किसके कारण, अल्टरनेरिया सोलैनी, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा एग्जांपल है, याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो बढ़िया तो नहीं बोलेंगे ना, याद होना चाहिए भाई, है ना, पहले इंपॉर्टेंट था ये सब चीज। नेक्स्ट ट्वेल्थ में ना जब आप डिजीज पढ़िएगा तो वहां पे तीन फंजाई का नाम लिखा हुआ है जो रिंगवर्म कॉज करते हैं, स्किन डिजीज रिंगवर्म कॉज करते हैं, क्लियर है। तो ये तीनों फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन, कौन, ट्राइकोडर्मा, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन फंजाई के स्पीसीज है जो रिंगवर्म कॉज करते हैं। और ये भी किसमें आते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में आते हैं, किसमें आते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में आते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्वेल्थ में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम फंजाई पढ़ रहे हैं और वहां भी फंगल डिजीज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका नाम देख लेते हैं, आप दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। रिंग वर्म कॉज करता है कौन, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोर, ठीक है, क्या, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, ये तीनों फंजाई ना ये क्या कॉज करता है ह्यूमन में, रिंग वर्म कॉज करता है, क्या करता है, रिंग वर्म कॉज करता है, क्या, रिंग वर्म कॉज करता है ह्यूमन में। नेक्स्ट है ट्राइकोफाइटन और टीनिया पेडिस, क्या, ट्राइकोफाइटन और टीनिया पेडिस, ये एथलीट फूड डिजीज कॉज करता है, क्या, एथलीट फूड डिजीज कॉज करता है। तो वैसे एथलीट्स या जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं बहुत देर देर तक जूता पहने रहते हैं, उसमें पसीना आता है, तो उनमें क्या हो, एक फंगल ग्रोथ कर जाता है, कौन सा फंगल, ट्राइकोफाइटन एंड टीनिया पेडिस, क्या, ट्राइकोफाइटन तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड टीनिया पेडिस, ये बस दोनों फंगल क्या कॉज करता है, बोलो ना, क्या कॉज करता है, एथलीट फूड डिजीज, क्या, एथलीट फूड डिजीज कॉज करता है, क्या, एथलीट फूड डिजीज कॉज करता है, क्लियर, एथलीट फूड डिजीज, या फिर पैर में रिंग वर्म अगर कॉज हो जाए तो उसको कहते हैं एथलीट फूड डिजीज। कौन कॉज करता है, टीनिया पेडिस एंड ट्राइकोफाइटन, कौन, टीनिया पेडिस एंड ट्राइकोफाइटन कॉज करते हैं, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, एथलीट फूड डिजीज फंगल इन्फेक्शन है। उसके अलावा रिंग वर्म कौन कॉज करता है, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोर, कि ये तीनों रिंगवर्म कॉज करते हैं जो ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है, किसका मेंबर है, ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर, क्लियर है। यहाँ तो यहाँ तक अपना पूरा फंजाई होता है खत्म, क्लियर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है किसका, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है किसका, प्लांट किंगडम का, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एनिमल किंगडम का, और आगे बोलता है कि प्लांट किंगडम को डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम को डिटेल में अगले चैप्टर में, क्लियर, किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाता है कि भाई वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइकेन, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब ऐसे लाइफ को शो करते हैं जिसको फाइव किंगडम सिस्टम में नहीं रखा गया है, जो फाइव किंगडम सिस्टम के एक्सेप्शंस हैं, क्लियर, फाइव किंगडम सिस्टम के क्या है भाई, एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब क्या है, फाइव किंगडम सिस्टम के एक्सेप्शंस हैं। तो इस सब चीज को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अलग से पढ़ाया गया और आपको बताया गया है कि क्यों ये आरिच विटा करके फाइव किंगडम सिस्टम में नहीं है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज को, क्लियर। बेसिडियोमाइसिटीज को पफ बॉल, ब्रैक्ट फंजाई, क्लब फंजाई, उसके अलावा एडिबल, स्मट और रस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल नहीं होता है, सिर्फ वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो स्पोर बनता है, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, क्लियर है। यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलता है, प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद क्या होता है, डाइकैरियन, एस्कोमाइसिटीज में भी डाइकैरियन देखने को मिलता है, क्लियर है। यहाँ तक
आगे फिर हम पढ़ते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि बेसिडियम और एस्कस दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एस्कस स्पोर का फॉर्मेशन इंडोजीनियसली करता है, जबकि बेसिडियम स्पोर का फॉर्मेशन एक्सोजीनियसली करता है। कैसे करता है? एक्सोजीनियसली करता है। फिर हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम देखते हैं पूषा, जो समस्तीपुर के बगल में, पी फॉर पक्सिनिया, यूएस अस फॉर बोलो ना एस्टिलैगो, एंड ए फॉर अगैलिस। पी फॉर पक्सिनिया मतलब रस्ट फंजाई, एस्टिलैगो स्मट फंजाई, और नेक्स्ट क्या भाई? अगैलिकस एडिबल फंजाई। ठीक है, रस्ट, स्मट और एडिबल तीनों किस में आता है? बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्यों? क्योंकि किसी तरह का सेक्सुअल स्टेज नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और एसेक्सुअल ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल स्पोर बनता है कोनिडिया। क्या बनता है? कोनिडिया। कोनिडिया सर और कहीं बनता है, कहाँ बनता है? एस्कोमाइसिटीज में बनता है। कहाँ बनता है? एस्कोमाइसिटीज में। उसके अलावा इसका हैबिटेट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखते हैं, तो हैबिटेट और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या? सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल याद करना है, टीसीए से याद रखेंगे, टीसीए डोली, डोली मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज, टी फॉर ट्राइकोडर्मा, टी फॉर ट्राइकोडर्मा सही है, सी फॉर कोलिटोट्राइकम, और ए फॉर बोलो ना ए फॉर अल्टरनेडिया। क्या? अल्टरनेडिया। यहां तक हो जाता है अपना खत्म, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी के अलावा जो एग्जाम्पल है बस वही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन को करना है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर 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 पूछना है। क्लियर है? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्लियोन्स, ये सब। कुछ दिन में अपना ये चैप्टर, मतलब एक दो लेक्चर में, दो लेक्चर तीन लेक्चर में ये चैप्टर अपना, ये मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे। चलिए अगले क्लास में बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तब तक आप फॉर्म अप जरूर कीजिए, ठीक है? उसके अलावा क्या बोलना था? तो भाई, और आपको क्या करना है? एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। नोट्स को एक दो बार पढ़ते रहिए। जो भी आपको ट्रिक्स देते हैं ना, उस ट्रिक्स को दो चार बार रात में सोते समय जरूर सोचना है, ठीक है? ये तो बाद में क्या होगा, बहुत सारा ट्रिक हो जाएगा और टिप्स ट्रिक्स हो जाएगा, और बहुत सारा मतलब एकदम मिलने लगेगा, समझ में आ रहा है ना? इसलिए आप री मेमोराइज उसको बार बार करते रहिए।